जीवन को मजे से जीने के लिए मशहूर बल्लेबाज क्रिस गेल ने खुलासा किया कि दिल के ऑपरेशन के बाद उन्होंने जीवन का आनंद लेना शुरू कर दिया। गेल ने दिल्ली में अपनी आत्मकथा सिक्स मशीन के लॉन्च के दौरान अपने जीवन के तमाम राजों पर से पर्दा उठाया। वेस्ट इंडीज के इस आक्रामक ओपनिंग बैट्समैन ने कहा कि 2005 में ऑस्ट्रेलिया दौरे के समय उनके दिल का ऑपरेशन हुआ था। उन्होंने बताया कि इस बारे में ज्यादा लोगों को नहीं बताया गया और उनके माँ बाप को भी सर्जरी होने के बाद ही इस बारे में बताया गया। गेल ने कहा कि इस सर्जरी के बाद ही उन्हें महसूस हुआ कि जीवन की अहमियत क्या है। गेल ने कहा, किसी को नहीं पता कि ऑस्ट्रेलिया में इलाज के दौरान मुझे दिल में छेद के बारे में पता चला। इस बारे में मेरे माता पिता को भी नहीं पता था। मुझे सर्जरी कराने के लिए मजबूर होना पड़ा था और मैंने ऑपरेशन के बाद ही अपने माता पिता को सूचना दी थी। उस समय मैंने जीवन की अहमियत पहचानी। ये मेरे लिए जीवन बदलने वाला लम्हा था। इसके बाद मैंने अपने जीवन का पूरा लुत्फ उठाने का फैसला किया और अब भी ऐसा कर रहा हूँ। इस मौके पर क्रिस गेल ने अपने पिता बनने के अनुभव भी शेयर किए। साथ ही गेल ने कहा कि पिता बनने के बाद वो इंसान के रूप में परिपक्व हो गए हैं। अपनी आत्मकथा के बारे में गेल ने कहा कि ये उनके चरित्र का बिल्कुल अलग पहलू पेश करेगी। Be as much entertained as I batted on the field in the middle as well. It's a book where I want to inspire people as well. So hopefully, you know, everybody will put it into good use and, you know, get a chance to actually read about my life story, and then, you know, they can decide, you know, what they want to accomplish in life after that. I grew up without TV. I grew up without water as well. You know, like I said, you know, Lucas Cricket Club, I grew up next to a cricket club, and that's where I have to fend most of the time. You know, that's a place where actually, you know, it's like a livelihood for me, where I actually go to the club and you see members of the club and they can actually help me out by giving me a lunch money. But not, I haven't said all of that. You know, I used to steal the bottles and go and sell it to actually be able to use it to go to school. But you know, those days was actually fun. You know, I wouldn't change those moments for anything at all. And you know, those things are just, you know, the struggle was actually real for somebody like me to be where I'm at today, and I'm very thankful to be able to actually be successful. इस मौके पर भारत के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और BCCI के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। आपको बता दें, क्रिस गेल को दुनिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज के तौर पर जाना जाता है। क्रिकेट जगत में क्रिस गेल को सिक्स मशीन कहकर पुकारा जाता है और इसी नाम से उन्होंने अपनी बायोग्राफी भी लॉन्च की है।